अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार वणकम सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है लुकाना का एक चार बॉक्स है जो रॉड्स के साथ आया था, और ये चार बॉक्स बचे हुए हैं। तो सोचा मैं एक शॉर्ट वीडियो इसको फिनिश करूं। तो देखते हैं लुकाना में क्या क्या स्टॉक आया है। ये देखते हैं फर्स्ट बॉक्स में क्या आया है। कुछ नया लग रहा है मुझे, कुछ नया रील आया है लुकाना में। आर्गुस क्या नाम है ये, तो देखते हैं। अच्छा स्पिन रील, ओके अभी याद आया, स्पिन रील आया है 250 का। 3+1 बॉल बेरिंग दिया है, और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको लेके आया हूँ, तो इसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ओके लेफ्ट हैंड में, ओके इसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आया है, थोड़ा कंफ्यूजन हूँ। और यहाँ पे ड्रैग दिया है, यहाँ पे ड्रैग दिया है, और रील का डिटेल्स, और ये क्या है, ओके पोस्टिंग के समय शायद इसका प्रेसिंग बटन दिया है, क्या मालूम नहीं। और रिट्रीव इसमें रिवर्स है, रिट्रीव रिवर्स है या मैं गलत बोल रहा हूँ पता नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। जिन जिन को पता है वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि जब पता नहीं है तो एक्सप्लेन भी नहीं करना है, क्योंकि अगर पता है तभी जाके इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये ओपन सिस्टम देख सकते हैं, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ और फर्स्ट टाइम लाया हूँ, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं, इसका मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, मैं जो बोलता हूँ वो मान लेते हैं, तो इसीलिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जिन लोगों को पता है वो लोग ले सकते हैं, मुझे इतना ही पता है। तो बस वो रील है, और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो फर्स्ट टाइम आया है थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ। हाँ इसके बारे में मैं स्टडी करूँगा, स्टडी करके नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि विदाउट स्टडी बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ये हो जाता है उसी लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। तो ज़्यादा प्राइस भी नहीं है उसका, जितना मुझे पता है प्राइस भी कम है उसका। तो वाओ सुपर, ये बहुत मस्त आइटम रीस्टॉक हो चुका है, जो स्किप जैक रेड डेड, बहुत लोग इसका मांग कर रहे थे, स्टॉक नहीं था, तो स्किप जैक रेड डेड बहुत आया इस बार। रेड डेड बहुत है, सिर्फ रेड डेड ही बहुत इस बार बुक किया हूँ, तो कल आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और ये वाइट में, ये वाइट है, हाँ वाइट में भी आ चुका है, रेड डेड और वाइट फिर से रीस्टॉक हो चुका है। जिन जिन को स्टॉक नहीं मिला, जितना जल्द हो सकता है ये बुक कर लीजिए, क्योंकि आता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो हो गया स्पिन 50 शायद ये आया है बॉक्स, यही पे बॉक्स है, तो इसके साथ कंटिन्यू वीडियो करेंगे। और हमारे पास आया है लुकाना का ट्रैवल रॉड, ये आप देख सकते हैं, लुकाना का ट्रैवल रॉड, शायद इसमें साइजेस हैं या बाइट स्पिन है, चेक कर लेता हूँ मैं पहले। 240, 210, ओके यहाँ पे दिया है 240, इसमें शायद बाइट स्पिन दोनों है या एक ही है पता नहीं है, फिर भी एक मिनट देख लेते हैं। तो 210 ये देख सकते हैं, तो देखते हैं 210, 240, तो ये क्या है 240, 210, 240, एक मिनट।
ओके ठीक है, तो 210-240, 210-240 मीन्स जैसे हमारा पाइनियर का ट्रैवल रॉड आया था जो 7 फीट 8 फीट दोनों होता है, तो सेम उसी तरह का ये है। मैं सोचा 240-210 दो साइजेस में आए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वाला भी फर्स्ट टाइम आया है लुकाना में, तो देखते हैं। और रिव्यूज़ रिव्यूज़ आप ही को देना है, फर्स्ट टाइम जो भी ले रहे हैं, टूट रहा है फूट रहा है अच्छा है कुछ भी हो, क्योंकि आप लोग, मैं लाना मेरा काम है, हर चीज़ में लाता हूँ। रिव्यूज़ रिव्यूज़ देखने के बाद ही मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ या तो स्टॉप करता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ हो रिव्यूज़ मेन पॉइंट है। आप लोग रिव्यूज़ देंगे तभी जाके हमारा ब्रांड जो है लुकाना, वो भी अच्छे चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। जब उनको भी ख़राब लगता है, ज़्यादा बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो लोग भी स्टॉप करते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए, अगर टूट रहा है तो भी हमें बताइए, अच्छा रहने से भी बताइए, क्योंकि अच्छा रहने से बहुत लोग नहीं बताते हैं, टूटने से ज़रूर थोड़े लोग बताते हैं, तो अच्छा रहने से भी बताइए, ताकि वो हमें पता चले कि वो मार्केट में अच्छा नाम ला रहा है नहीं ला रहा है, ये भी मेन पॉइंट है। तो देखिए हर चीज़ ला के बनाते हैं लाते हैं, तो कोशिश यही रहती है कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट सबको मिले, क्योंकि प्राइस भी कम रहता है, ऐसा ज़्यादा प्राइस भी नहीं है जैसा बाकी प्रोडक्ट्स में आता है, उतना खास प्राइस भी नहीं रहता है, बहुत कम प्राइस रहता है खासकर लुकाना में। और बहुत लोग बोलते हैं चीज़ अच्छा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं अच्छा है, मानता हूँ मैं, जैसा दाम वैसा प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ, फिर भी कोशिश उनकी जारी है कम प्राइस में अच्छा चीज़ ला के देने की। देखते हैं ये क्या रिव्यूज लाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है उसी लिए। तो ये आता है 2-in-1, 2-in-1 है, जैसे ये वाला शॉर्ट ट्रिगर ट्रैवल रॉड है, 2-in-1 है, जैसे बाइट कास्टिंग स्पिनिंग दोनों को चल जाता है। और ये हमारा लुकाना ब्रांडिंग के साथ, ये देख सकते हैं लुकाना ब्रांडिंग के साथ, और ये देख लेते हैं। तो ये हो गया 8 फीट, शायद 8 फीट का जॉइंट है ये, तो रॉड ओके। तो ये हो गया, तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं, ये वाला जो बड इतना ही बैठ रहा है, तो इसका भी मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया हूँ, फिर से नए भाई मेरे जुड़े हैं तो उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फ्यूचर प्लान है, जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं वो घटता है, उस समय वो ठीक से 1 ईयर 2 ईयर में बैठता है, तो बेफिक्र करिए खेलिए कुछ नहीं होगा। और ये वाला, हाँ ये हो गया आपका 8 फीट रॉड, मीन्स पूरा अगर आप लगा रहे हैं, पूरा ये बट के साथ लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं तो 8 फीट, अगर आप ओके, बहुत फिटनेस दिया है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ नहीं है, शॉर्ट प्लेस है, तो मैं पूरा भी लगा नहीं सकता हूँ। तो ये वाला अगर लगा रहे हैं आपका रॉड 8 फीट हो जाता है, अगर आप उसको छोड़कर बस ये वाला आप यूज कर रहे हैं ओके, अगर आप उसको छोड़कर ये वाला यूज कर रहे हैं तो 7 फीट रॉड होता है, बस ये फिक्स करने से आपका रॉड 8 फीट हो जाता है, ये विदाउट यूज करेंगे 7 फीट। स्पिन बाइट दोनों एक ही रॉड में आप खेल सकते हैं, कंपनी दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ही है, कंपनी दिया है स्पिन और बाइट, तो उसी हिसाब से मुझे बताना पड़ता है। और 210 फोर सेक्शन लेंथ 21 ओके, ल्यूर वेट 8 ग्राम से 60 ग्राम तक, 8 ग्राम टू 60 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है ये, क्योंकि बहुत छोटे हुरफों में है तो शायद कैमरे में ये नहीं दिखेगा, तो उसी लिए। और लाइन रेटिंग 8 टू 16 LBS लाइन रेटिंग दिया है, 8 टू 16 LBS लाइन रेटिंग है। और ट्रैवल एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे आप शॉर्टली देख लीजिए, थोड़ा मैं बताता हूँ शॉर्टली। तो एक्स कार्बन, जैसे मैं बोला स्पिन और बैट दोनों खेल सकते हैं, एक्स कार्बन रॉड है, और ओके बहुत टाइट है ओके, शायद वो फ्यूचर प्लान लाइफ आने के लिए दिया है। तो बस ये वाला ट्रैवल रॉड देख सकते हैं, फोर पीस अगर यूज कर रहे हैं 7 फीट, अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ये होता है 8 फीट, टोटल आपको 5 पीस में
ये रॉड आता है, ट्रैवल रॉड। हाँ, रॉड तो बहुत बेहतरीन है, लाइट वेट है। जो भी है पूरा मैं डिटेल्स के साथ अपलोड करता हूँ, तो कल आप कैटलॉग में चेक कर सकते हैं रॉड का वेट कितने, गाइड्स हैं इसका, डिटेल्स क्या है सब। तो चलिए, फर्स्ट टाइम आया है, जैसे मैं बोला रिव्यूज़, जब आप रॉड ले रहे हैं टूटे या चले दोनों आप मुझे बताइए, क्योंकि हम फ्यूचर में उसको लाएंगे या स्टॉप करेंगे ये सब हम डिस्कस करेंगे उसी लिए। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। हाँ, स्पिन स्पिन 50, जैसे मैं बोला स्पिन 50, तो बॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद रील यहीं पे है, चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ सब स्पिन 50 50 ही है, तो इसको वैसे ही छोड़ते हैं, रील यहीं पे है, देख लेते हैं। तो स्पिन 50, बाकी साइजेस नहीं आया है, बस स्पिन 50 एक ही बॉक्स मिला है, क्योंकि मेरे पास रॉड्स तो आ गए लेकिन रील्स रील्स बहुत शॉर्ट है, रील्स का स्टॉक बिल्कुल मेरे पास पूरा ख़त्म हुआ है। तो स्पिन 50 जो रेगुलर रेगुलर मूव हो रहा है, कम प्राइस है, फास्ट मूविंग है, प्लस अच्छे रिव्यूज़ है इस पे, खासकर ये रील पे, स्पिन 50, रैनो, ये सब अच्छे रील्स है, बहुत टाइम से चल रहे हैं। तो स्पिन 60 हो गया, सॉरी 50 60 40 नहीं आया है, बाई चांस अगर कैटलॉग में आपको शायद 40 50 भी 60 भी दिखाएगा, अगर वैसे भी दिखा रहा है तो सोच लीजिए हम वहाँ पे लिख देंगे स्टॉक आउट है, जो साइजेस है वो स्टॉक आउट है, जो स्टॉक रहता है हम उसको वैसे ही रखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आया हमारे पास, बहुत बेहतरीन रील आया है जो हेवी गेम के लिए, सर्फ कॉस्ट CC 9000, तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना ने फर्स्ट लॉन्च किया है सर्फ रील, बहुत बेहतरीन रील है, खासकर ये सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए, जो लोग सॉल्ट वाटर फिशिंग करते हैं, कार फिशिंग करते हैं और लाइन रेटिंग जो हेवी मांगते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन रील है ये वाला। तो इसका डिटेल्स, तो 6+1 बॉल बेरिंग है, अल्मीनियम स्पूल है, अल्मीनियम पावर हैंडल है और जिंक अलॉय ड्राइव गियर, ये पता नहीं है मुझे, ब्रास पॉइनरी गियर्स और ड्रैग कैपेसिटी 18 किलो है, 18 किलो, और रील का वेट है 632 ग्राम। तो आप ये डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ है, बाकी रील देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे दिया है लाइन लाइन रेटिंग, जैसे कितने एमएम का लाइन कितने मीटर आएगा, तो ये भी चेक कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया, चलिए अभी रील देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, फर्स्ट लॉन्च हुआ है सर्फ कास्टर, वाह। ये आ गया हमारा रील, ये देख सकते हैं आप 18 किलो ड्रैग के साथ, और ये नॉब ग्रिप नॉब जो है टी टी टाइप में दिया है, टी टाइप में, और पूरा अल्मीनियम है, हैंडल हैंडल पूरा अल्मीनियम है, और ये स्मूथनेस देखते हैं इसका, बहुत स्मूथ है। ओके, बढ़िया है। और ये देख सकते हैं आप रिट्रीव रिट्रीव इसका शायद बहुत है, शायद ये रिट्रीव इस पे नहीं दिया है, मैं ये चेक करके बोलता हूँ, गियर रोटेटर यहाँ पे दिया है 4.61 गियर रोटेट और लाइन रेटिंग यहीं पे दिया है, चेक कर सकते हैं आप। बहुत हेवी रील बनाया है लुकाना ने, और इसका प्राइस भी देखते हैं क्या प्राइस रहेगा, प्राइस मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे दिया है। ओके, थोड़ा ये भी चेक कर लेते हैं नॉब्स, थोड़ा वो ड्रैग ये वगैरह सब चेक कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम आया है ताकि आप लोगों को क्लियरली यहीं पे पता चले, क्योंकि हम लोग फोटोज अपलोड करते हैं आपको भी पता नहीं चलता है, तो उसी लिए। तो नॉब ओके है, हाँ लाइफ टाइम ड्रैग रहेगा, लाइफ टाइम ड्रैग साउंड, जो ड्रैग साउंड होता है लाइफ टाइम रहता है, जैसे
नॉर्मल रील्स के जैसा नहीं आता है। और शायद शायद फ्यूचर में अगर रील रील कुछ खराब हुआ तो प्लीज आप लोग इसको ओपन मत करिए। जो भी होता है हमें बताइए या तो हमें भेजिए, हम इसको करके रिपेयर करके देंगे। फ्यूचर अभी नहीं, फ्यूचर का बता रहा हूँ मैं, अभी का नहीं। बस कल का दिन अगर कुछ हो रहा है, बाई चांस खराब हुआ कुछ हुआ, तो हमें बताइए, हम उसको करेंगे। तो ड्रैग साउंड भी बेहतरीन है, और 18 किलो ड्रैग थोड़ा वो भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसका नसीब कैसा है, क्योंकि हर रील चेक करते हैं तो इसको भी करेंगे ना, क्या है उसमें। तो फुल ड्रैग सच में है 18 किलो ड्रैग। बहुत लोग बोलते मैं आज तक टेस्टिंग नहीं किया, तो आज करना चाह रहा था तो आज टेस्टिंग किया मैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर मुझे भरोसा था सर्फ रील पे। थोड़ा भी हिला नहीं पाऊंगा मैं इसको, थोड़ा भी नहीं हिला पाऊंगा। तो शॉर्ट नॉब देखते हैं, देखिए शॉर्ट नॉब थोड़ा ओके, अभी थोड़ा हो रहा है। तो ये फुल ड्रैग, फुल ड्रैग। वन टाइम थोड़ा कट बोल रहा है, फुल ड्रैग अभी, तभी नहीं अभी। तो बेहतरीन ड्रैग है, ड्रैग कैपेसिटी ओके, डन हो गया। मुझे चेक करना था लाइव में, तो लाइव में चेक कर लिया हूँ। हाँ, अगर आपके पास रील आ रहा है आप भी इसको चेक करके मुझे वीडियो भेज सकते हैं, ताकि मैं YouTube पे अपलोड कर सकूं कि देखिए मेरे एक से कुछ नहीं होता है, आप लोग लेते हैं, मुझे थोड़ी इसको रख के बैठना है, मैं रख के नहीं बैठता हूँ, ये सब सेल के ही लाता हूँ आपके लिए। तो आप लोग थोड़े वीडियोस भेजिए इसके ऊपर ड्रैग के, जो आप ये आप खुद टेस्टिंग करेंगे, जो मैं यहाँ पे लाइव बताया हूँ आप वो सही है या झूठ है, तो आप लोग इसका वीडियो दीजिए, हम जरूर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और वीडियो आप जब लेते हैं ऐसे मत लीजिए, वीडियो ऐसे लीजिए, क्लियर वॉइस में वीडियो लीजिए, लेके हमें ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, हमें दीजिए, ताकि हम वो मेरा ही सिर्फ वीडियो चलेगा वो नहीं, आप लोगों का भी वीडियो हम डालेंगे, ताकि आपका ओपिनियन, आपका वो जो राय होती है वो कैसे रहेगी देखना है। तो सर्फ रील बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है रील। ओके, रील तो बहुत बेहतरीन है। तो मैं इसका स्पूल के बारे में बताता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं लॉन्ग कास्ट नहीं जा रहा है। तो लॉन्ग कास्ट जाने नहीं जाने की वजह क्या है, हमारे नॉर्मल रील्स के जो स्पूल्स होते हैं बस इतने होते हैं, इतने इतने इतने, तो लाइन पूरा अंदर से बैठता है। तो बहुत लोग हाफ 100, समझ लीजिए 200 मीटर लाइन पकड़ता है उसमें। तो हम लोग कितना डालते हैं, 100 मीटर। मैं नहीं, जो लोग को पता नहीं है और लॉन्ग कास्ट नहीं जा रहा बोलते हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। तो 100 मीटर लाइन में आपको लॉन्ग कास्ट नहीं जाएगा। जब फिलिंग फिलिंग आप लाइन करते हैं तो आपको यहाँ तक फिल करना है, यहाँ तक अपना लाइन फिल करना है, तभी वो परफेक्ट, जितना भी बड़ा स्पूल हो लेकिन लाइन आपको फिल करना है परफेक्टली वहाँ तक, तभी जाके आपको लॉन्ग कास्ट मिलता है। और लाइन जितना हो सकता है, जितना MM कम होता है उतना लॉन्ग कास्ट जाता है, अपने रॉड पे भी डिपेंड करता है और फर्स्ट पॉइंट हमारे टेक्निक पे, हमारा एक्सपीरियंस मेन है, तभी जाके लॉन्ग कास्ट जाता है। तो ये जो स्पूल होता है, ये जो लॉन्ग स्पूल होता है, ये जो लॉन्ग स्पूल है, आप जितना सोचते हैं लॉन्ग कास्ट 100 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर आंख मूंछ के इस पे कास्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कास्ट आप कर सकते हैं। क्योंकि स्पूल, ये जो स्पूल बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका स्लोप देख सकते हैं ऐसे है, पूरा ऊपर से ऐसे नीचे, तो लाइन लाइन फुल्ली फ्री निकलता है इसमें से। जब आप कास्ट करते हैं बहुत लॉन्ग से लाइन फिल होता है, तो बहुत लॉन्ग कास्टिंग होता है इसमें सर्फ रॉड, खासकर ये इस्तेमाल होता है कार फिशिंग लवर्स के लिए और सर्फ फिशिंग लवर्स के लिए जो लाइव बाइट खेलते हैं, बस ये दो ही के लिए बहुत काम आता है, बाकी नॉर्मली आप जो कुछ भी खेलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, लुकाना का बढ़िया रील आया है, एकदम बढ़िया रील। तो बिल्ला लाम, हाँ ये भी ओके है। हाँ, लेकिन ये जो है देखिए, ये बहुत बड़ा है, आप इसको बहुत होशियारी से खेलना है, और इसको ज़्यादातर आप नीचे रॉक्स में हो, सैंड में हो, सैंड में खासकर समझ लीजिए सॉल्ट वाटर फिशिंग आप कर रहे हैं, सैंड इसमें बहुत जाएगा। तो
क्योंकि पूरा ओपन ही है। तो यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे होंगे, तो सैंड इसमें बहुत जाएगा। तो उसी लिए कभी भी आप रॉड्स रख रहे हैं, सैंड में, रॉक्स में, मिट्टी में, कहीं भी मत रखिए। यही रील नहीं, कौन सा भी रील हो, नीचे मत रखिए। जितना हो सकता है कुछ उसको ग्रिप दीजिए, ऐसे रखिए। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है रील मेंटेन करने का। और मच्छी, मच्छी मिलने के बाद रॉड को सीधे सीधे फेंक देते हैं, सिर्फ मच्छी ग्रैब करते हैं, तब जाके ये जो आपका बेल अलार्म है ये सब बेंड होता है। हमारा लाइन जो फिलिंग करता है, मेन इसी का काम होता है। अगर ये थोड़ा सा भी बेंड हो जाए या कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आपका लाइन फिलिंग सही से नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा साइज है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ताकि वो आप मेंटेन कर सके। चलिए, रील तो बहुत बढ़िया है, एक्सप्लेन करने से बहुत सारा है, इसका एंड ही नहीं है। तो उसीलिए हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 9000 सीरीज में प्राइस देखते हैं क्या प्राइस में है, और इसका डिटेल्स के साथ मैं कल अपलोड कर दूंगा जो भी डिटेल्स है। और बस आज के लिए इतना ही है, बस ये 4 बॉक्स बचे थे जो मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत जल्द अपलोड होगा। और मेरे भाई बहुत लोग ऑफर मांग रहे थे, दशहरा का ऑफर। तो दशहरा में क्या है, बहुत से लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस कर चुका हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो दशहरा में बहुत लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो फेस्टिवल का भी प्रेशर ज़्यादा रहता है। खासकर ये हमारा दशहरा का जो फेस्टिवल है, बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत हाई से बनाते हैं। पूरा साल भर में ये दशहरा का फेस्टिवल जो है बहुत ग्रैंड से बनाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा था, और मेरे भाई बहुत लोग भी बता रहे थे दशहरा में कुछ ऑफर दीजिए, तो इसमें बहुत लोग को खरीदते नहीं है, मुझे पता है, उसीलिए मैं दशहरा का ऑफर नहीं दिया। हाँ, 30K को कंफर्म ऑफर है आपके लिए, 30K सब्सक्राइबर को, तो उस समय शायद बहुत अच्छा ऑफर देने वाला हूँ, ज़रूर दूंगा। बस बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मुझे वो बताना है किस लिए मैं नहीं किया, तो उसीलिए यहीं पे आपको लाइव बता रहा हूँ, ये वजह थी दशहरा का ऑफर नहीं देने की। हाँ, 30K को ज़रूर आप लोगों को ज़रूर ऑफर मिलेगा, तब तक तो और प्रोडक्ट आ जाएगा, ताकि आप लोग और जो आपके मन में हो सब लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। तब तक के लिए देखते हैं किस किस को इसमें से ज़रूरतमंद चीज़ मिलता है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों को जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज मैसेज अभी बहुत, 2 दिन 3 दिन से मुझे इत्मीनान से मैं मैसेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं बताया था सब लोग वैसे फॉलो कर रहे हैं। तो 2 दिन से बहुत स्पीड से मैं रिप्लाई पूरा सबको दे रहा हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मेरी बात आप समझे, बहुत बहुत शुक्रिया।